राम राम, जय हिंद। देखो, जितने लोग भी रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो सबको पता है कि रनिंग की तैयारी का एक बेसिक रूल ये है कि आपको दूध, दही, पनीर इन सब में जरूर आना पड़ेगा। इन सब में क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इन सब से ही तैयारी तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, गुड्स और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है, मतलब ठीक है। लेकिन जो लोग भी काफ़ी दिन से कंज्यूम करते चले आ रहे हैं, उनको सालों साल हो गए हैं और अब जाके वो ऐसी कंडीशन में आ गए कि उनकी टाइमिंग नहीं निकल पा रही, अब ऐसी कंडीशन में है कि उनसे वो एक्स्ट्रा पुश नहीं हो पा रहा है, अब हम तुमको एक सजेशन दे रहे हैं, उस पर काम करना ज़रा। देखो, होता क्या है कि जो भी प्रोटीन होता है इनमें, दूध से बने प्रोडक्ट में, इनमें फैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन होता है वैसे ही फैट भी होता है। तो ये जो फैट होता है वो बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, खासकर पेट को। तो जब पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं वो स्लो बनाएगा। क्यों? देखो क्या होता है कि पेट में भी जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वो जो चीज़ें होनी है वो ब्लड में भी, मतलब पेट में भी जुड़ी होती है माइंड से, कि माइंड ही कनेक्शन देता है, मतलब अलर्ट करता है कि फूड को खाना है, कब डाइजेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो एनर्जी जो तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट होने में इतने घंटों लगा देती है, वो फिर एनर्जी तुम्हारे वर्कआउट में नहीं लग पाती है। तो हम ये एक एक्सपेरिमेंट करने को कहेंगे, तुम लोग खुद से करके देख लेना कि अगर तुम्हें बहुत सालों साल से तुम ये दूध दही पनीर खाते चले आ रहे हो, कुछ टाइम के लिए तीनों चीज़ें छोड़ देना। दूध से बनी जितनी चीज़ें हैं 7 दिन 15 दिन के लिए ये सारी चीज़ें रोक दो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे पनीर हो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, 7 से 10 दिन के लिए रोक दो। और बाकी के सोर्सेज देख लो, जैसे ओट्स है, दलिया है, दालें हैं, सोयाबीन है, सोया चंक्स है, इनसे अपना प्रोटीन पूरा करो, ठीक है। अब जब तुम 7 से 10 दिन ये छोड़ दोगे, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ये छोड़ दोगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा वो सुन लो। जब तुम इतने प्रोडक्ट छोड़ देते हो तो उसके बाद जब फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है, क्योंकि जितने भी फूड खा रहे हो ज़्यादा फैट जा रहा है। फैट कम होगा तो बॉडी में जो भी एनर्जी मिलनी है जो फूड से, वो क्विक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहली चीज़ कि तुम अपने वर्कआउट में लेजीनेस फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत वीक फील कर रहे हो, मतलब सुस्त आ रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं करोगे, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब भी तुम ये चीज़ें छोड़ोगे 7 से 10 दिन के लिए, तो तुम्हें ये दिक्कत नहीं आएगी कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, कि दौड़ते समय तुम्हें सांस फूल रही है, या फिर ये जो इस तरीके की जो भी दिक्कतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं आएंगी। तीसरी चीज़, तुम ये देखोगे कि जो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारी बॉडी का, तो वो और बेहतर हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि वो जो एनर्जी का कन्वर्जन है ना, वो बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब जो तुम फूड खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हें फ्यूल भी दे रहा है, तुम्हें क्विक एनर्जी भी मिल रही है। तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देख सकते हो कि अगर सालों साल से सारी चीज़ें खा रहे थे, 7 से 10 दिन के लिए रोक के देखो क्या बेनिफिट मिलते हैं, और यकीन मानो बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिलेंगे। राम राम, जय हिंद।